महर्षि, आपने मैकाले की शिक्षा पद्धति को भारतीय संस्कृति को एक तरह से इस मोड़ पर लाने के लिए बहुत उत्तरदायी माना है, लेकिन हमारा प्रश्न आपसे यह है कि हम अपनी गुरुकुल पद्धति, जो गुरुकुल पद्धति थी, उसको पुनर्जीवित कैसे कर सकते हैं और आपके मन में इसको आगे बढ़ाने की क्या योजना है? हमारी जितनी भी गुरुकुल की शिक्षा थी वो सब रोजगार परक थी। ऐसी कोई शिक्षा नहीं थी जिसमें रोजगार न हो। ये विमान बनाना किसने सिखाया? गुरुकुल की शिक्षा ने दिया। भरद्वाज ऋषि ने ही इसे बनाया। भरद्वाज ऋषि का गुरुकुल चलता था। हमारे और बहुत सारे, ये रथ बनाना किसने सिखाया? स्थापत्य किसने दिया? वास्तुकला किसने दी? पर्यावरण संरक्षण किसने दिया? हमारे समझाने की शैली अलग हुआ करती थी। हमने नर्मदा जी को साक्षात भगवती और शंकर जी का रूप माना, उन लोगों ने नदी माना। नदी माना, श्रद्धा खत्म हो गई, वहाँ आस्था श्रद्धा थी, लोग प्रदूषित करने लगे। हमने वृक्षों को पूजनीय माना, पीपल को विष्णु माना, बरगद को शिव माना, आंवला को भगवती पार्वती माना, तुलसी आदि, ये पर्यावरण का संरक्षण था। तो हमारी गुरुकुल, ऐसा नहीं कि हमारी गुरुकुल प्रणाली जो है वो रोजगार नहीं देती है। आजकल जितनी भी, अब आप देखिए संस्कृत भाषा के द्वारा जितना अच्छा नेट का प्रबंधन होता है अन्य भाषाओं में उतना नहीं होता है। श्री पुरी शंकराचार्य की आप वैदिक गणित देखिए। तो अब स्थिति ये आती है कि हम उनको कैसे चलाएं। हमारे महात्मा लोग लगे हुए हैं, महात्मा लगे हैं, बहुत सारे महात्मा। महेश योगी ने बहुत काम किया, रविकांत जी भी काम कर, श्री श्री रविशंकर जी भी काम कर रहे हैं, और भी हमारे महात्मा लोग कार्य कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हम लोग कब सफल होते, कितने सफल होते हैं, क्योंकि हम लोगों को राजनैतिक संरक्षण नहीं, और हम लोग चाहते भी नहीं। क्योंकि जिसके पास राजनैतिक संरक्षण जाएगा वो कुछ दिन उठता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद समूल नष्ट हो जाएगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बहुत अच्छे संत थे, लेकिन इन कांग्रेसियों ने उन्हें समाप्त कर दिया। कांग्रेस के ही थे, इंदिरा जी उनके शिष्य थे। इंदिरा जी एक फोन पे जाती थी, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने बहुत काम किया देश के लिए, हिंदुओं के लिए। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, एक उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आ गया था चन्ना रेड्डी। उस चन्ना रेड्डी ने ऐसे नियम बना दिए थे कि हिंदुत्व खत्म, मंदिर खत्म, सनातन धर्म खत्म, साधु संत खत्म। हम लोग धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के पास गए, उन्होंने तत्काल फोन करके इंदिरा को बुला के, मैडम ये क्या हो रहा है? और इंदिरा ने सुना, उसे तत्काल आदेश दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बंद हो गया। तो अभी भी हम देखते हैं कि जिन महात्माओं ने स्वार्थवश के बोल नहीं पाते, स्वार्थवश नहीं बोलते कि हमसे राजनेता नाराज हो जाएंगे या हमारे आश्रम लुप्त कर देंगे या हमारे यहाँ ईडी का छापा पड़ जाएगा या हमको कहीं बंद कर देंगे, हमारे ऊपर केस लग। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमसे भी कहते हैं कि आपके ऊपर केस लग जाएंगे, किस बात के केस लगेंगे? हमने देशद्रोह तो किया नहीं, समाजद्रोह किया नहीं, हमने हत्याएं नहीं की, हमने डकैतियां नहीं डाली, हमने बलात्कार नहीं किए। केस लगाया जाएगा देशद्रोह बनाकर या किसी का अपमान किया इत्यादि इत्यादि, उसका परिणाम क्या होगा? फांसी तो होगी नहीं, परिणाम होगा जेल। जब हम साधु हुए थे, अभी तो हमको घर घर जाने की भिक्षा मांगनी पड़ती है, घर घर जाके हम भिक्षा मांगते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है, कहीं चातुर्मास में ठहरने के लिए कोई कुटिया झोपड़ी चाहिए, जेल में बड़ा बनाया कमरा होता है हमारे लिए, हमारी भोजन की व्यवस्था होती है, नाश्ता की व्यवस्था होती है, और हमको उपदेश करने के लिए हजारों कैदी होते हैं जिनका जीवन सुधारेंगे। यदि महात्माओं के ध्यान में ये बात आ जाए कि इस मैदान की अपेक्षा जेल अच्छी है, वहां पर जो बंद है वो लोग क्षत्रिय हैं, वो लोग स्वाभिमानी हैं, अच्छे लोग हैं, हम उनको उपदेश करेंगे, उनमें सारी शक्ति सन्निहित है, तो हमें ना तो नेता कोई हमारे ऊपर केस लगाएगा ना कोई दूसरा काम करेगा, यहाँ की जनता तो हमारे साथ है लेकिन वहां रहने वाले भी साथ होंगे। हाँ, हमारे जीवन में कहीं से अपवित्रता ना आ जाए, अपवित्रता ना आ जाए, देशद्रोह न आ जाए, इत्यादि बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हम सब लोग लगेंगे, कार्य होगा, विद्यालय भी बनेंगे और गुरुकुल भी बनेंगे, सनातन धर्म की रक्षा भी होगी, जितना है हम लोग जी जान से उसमें लगे हुए हैं, हमारे अधिकांश महात्मा अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। महाराष्ट्र, आज की युवा पीढ़ी जो है वो हिंदी बोलना छोड़ चुकी है,
उर्दू के अधिक शब्दों का प्रयोग करती है और अंग्रेजी भाषा उसके अस्तित्व पर पूरी तरह से छा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को किस तरह से अपनी भाषा के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति जागरूक कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारी पीढ़ी जो है वो अपनी जो पहचान है उसको लेकर के जागरूक हो और अपनी भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दे? देखिए, हिंदी भाषा में अब बहुत सारी इंग्लिश और उर्दू और अरबी और फारसी ये सब मिक्सचर हो गई, विशुद्ध हिंदी नहीं रही और विशुद्ध हिंदी समझने वाले भी नहीं रहे। इसमें हमारे कथा प्रवक्ता बहुत दोषी हैं। जब हम पवित्र मंच पर बैठकर अपनी प्रशंसा के लिए और हम इंग्लिश के सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, हाँ, इंग्लिश के उपदेश करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो आने वाले हमारे बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। हमको मंच पर बैठकर संस्कृत और विशुद्ध परिष्कृत हिंदी के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, हम एक ऐसी सरकार लाएं जिसके हृदय में देशभक्ति हो, जिसके हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगन हो, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी। कुछ भी लोग कहें, मैं भाजपाई नहीं हूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं, जो अच्छे लोग थे, मैं नरसिंहा राव कांग्रेस का प्रधानमंत्री में तारीफ करता था, मैं नारायण दत्त तिवारी का की तारीफ करता था और बहुत अंशों में मैं मुलायम सिंह जी की भी तारीफ करता हूं, शिषपाल की भी तारीफ करता हूं, बहुत अंशों में मैं मायावती की भी तारीफ करता हूं और विरोध भी करता हूं। तो जहां पर यथार्थ है, मैं हम लोग सत्य का पक्ष लेते हैं, लेकिन जहां हम देखते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ लेके जब आ जाता है, तो इस समय हमारी एक स्वार्थ होना चाहिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा। और उसके लिए मुझे ऐसे व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा जिसके अंदर 100% नहीं तो 50% तो भारतीय संस्कृति के लिए लगन हो और उसके लिए वो बेचैन हो, व्यथा हो, जैसी हमारे हृदय में है वैसी नहीं, उसे आधी सही होना चाहिए। हम देखते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, वो एक महात्मा से यहाँ आए, आगे पीछे कुछ है नहीं, और अपने स्तर से जब हम गंभीरता से चिंतन करते हैं तो देश को आज 5 वर्षों में जिस स्थिति में नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया, पीछे की 65 वर्षों में हमारी संस्कृति को नाश करने का ही काम किया गया। चाहे उसमें हमारे नेता दोषी हो, चाहे नेताओं का आत्मबल दोषी हो, चाहे नेताओं का और कुछ, जब बहुमत की सरकार बना करती थी, 545 में से 540 सीटें एक ही पार्टी जीता करती थी, विरोधी कोई था ही नहीं, तब कानूने क्यों नहीं पास की गई? क्यों हिंदू कोर्ट बिल पास किया गया? हिंदू कोर्ट बिल लाया गया था, क्यों समान नागरिकता पहले क्यों नहीं ला दी गई? हिंदू कोर्ट बिल मुस्लिमों पर भी लागू होना चाहिए था, ईसाई यहूदी पारसियों पर भी लागू होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? क्यों आज भी 3 तलाक बनी हुई है? क्या कारण है? क्यों 370 नहीं समाप्त की? इसकी क्या आवश्यकता है जब संपूर्ण देश एक हो गया, सारी रियासतें एक हो गई? लेकिन वही अंग्रेजी मानसिकता, जवाहरलाल में यदि थोड़ी भी 10% भी भारतीय संस्कृति होती, भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव होता, तो शायद देश का विनाश नहीं होता। हम इस अखंड मंथन को, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद दे रहा हूं, और हमारे जितने सनातन धर्मी हैं वो सब आप जैसे युवकों के लिए आशीर्वाद के साथ हर समय तन मन धन जो भी हमारे पास है त्याग तपस्या, उसके साथ आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, आप देश की रक्षा में तत्पर हो। तो दर्शकों, जैसा कि देखा कि आपने स्वामी श्री रामदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने किस प्रकार से आपको इस बात का आश्वासन दिया है कि सनातन धर्म का बीज जो है वो सदैव विद्यमान रहेगा, उस पर कोई संकट नहीं आएगा, ये तो उनकी अंतर्दृष्टि बताती है, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति से और भी विमुख होने प्रारंभ हो जाएं। अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म का अस्तित्व बचाने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार देने होंगे, उन्हें पूजा पद्धति के बारे में बताना होगा, उन्हें कुछ मुख्य श्लोकों के बारे में बताना होगा, उन्हें अपनी संस्कृति से पूर्ण रूप से परिचित कराना होगा,
तभी आप सनातन धर्म के अस्तित्व को शेष बचा पाएंगे। महाराज श्री, आपका अखंड मंथन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप आने वाले समय में हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष जानकारियां देते रहेंगे, जागरूकता फैलाते रहेंगे और अपना आशीर्वचन देकर के अखंड मंथन को सदैव आगे बढ़ाने में हमारा योगदान देते रहेंगे। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े इसके लिए आप सभी का आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े इसके लिए महाराज श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और दर्शकों, यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। आप कार्यक्रम के संबंध में अपना संदेश हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर प्रेषित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को ये सूचित करना चाहेंगे कि 15 जुलाई से हमारे चैनल में ज्योतिष विशेषज्ञों का नया पैनल आरंभ होने जा रहा है, और इस दौरान अगर आपको हमारे कुछ कार्यक्रम कम देखने को मिले तो इसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि हम नए ज्योतिष विशेषज्ञों और नए विशेषज्ञों की तलाश में इस समय हम पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। इसी कारणवश संभवतः आपको हमारे कुछ एपिसोड कम देखने को मिले, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। लेकिन 15 जुलाई से आपको अखंड मंथन बिल्कुल नए रंग रूप में, नए विषय वस्तु और नए विद्वानों के साथ देखने को मिलेगा। तो इस समय हमारे से जो भी भूल चूक होगी उसे आप क्षमा करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा। आपने हमें इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।